नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, एक बज गए हैं और आज हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर दुनिया क्यों मौन है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरे साथ प्रगति भी। इस सबसे बड़े कॉन्क्लेव में उन तमाम पक्षों को जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो तमाम देश है, यहां पर हिंदू विरोधी विचारधारा आई कहां से और इस पर जो दुनिया तमाम बातों पर बोलती है, खुलकर बोलती है, वो मौन क्यों है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार बांग्लादेश से अभी हम जो ताजा तस्वीरें 5 अगस्त के बाद की देख रहे हैं, सत्ता पलट के बाद की देख रहे हैं, उसमें हिंदुओं की चीतकार निकल रही है, चीख निकल रही है और वो चीख कोई सुन नहीं रहा है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए तेजी से हिंदुओं की आबादी जहां घट गई है, वहीं घटनाएं जो है उनकी तस्वीरें बार बार सामने आ रही है। तेजी से जो तस्वीरें हैं वो हम देख रहे हैं, हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हो गए। आखिर ऐसा माहौल बना कैसा है? 50 सालों में 1.1 करोड़ हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ दिया, ये आंकड़े बताते हैं, ये सच्चाई बताते हैं बांग्लादेश में किस तरह का माहौल है। हिंदुओं की 26 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है और इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा। जमीन छीनने से 12 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं और सोचिए कि वो कहां जाएं, वो किसके पास अपनी बात कहें, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं और यही वजह है कि वो हिंदू छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब हम आपको जरा बताएं कि बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी है किन किन इलाकों में। देखिए, ठाकुर गांव की बात करें, सबसे यहां पर ठाकुर गांव, मौलवी बाजार, गोपालगंज और खुलना, ये वो जगह है जहां पर हिंदू आबादी है। 4 जिलों में 23% आबादी और बाकी के इलाकों की बात करें, अगर डेमोग्राफी की बात करें हम बांग्लादेश की, तो यहां पर 8% हिंदू आबादी। लेकिन इन 4 जिलों से सबसे ज्यादा तस्वीरें तबाही की, तस्वीरें अत्याचार करने की, तस्वीरें मानवता शर्मसार करने की तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं। और इसीलिए प्रश्न पूछना पड़ रहा है कि आखिर सभी जो देश हैं, जो बनते हैं इस तरह के कि वो वर्ल्ड लीडर हैं, वो चुप क्यों हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है, कोई क्यों नहीं सामने आ रहा और बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें। सवाल ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि बांग्लादेश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चीख चीख कर बता रही हैं कि कैसे हिंदू आबादी को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग वहां पर होती दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट पहले आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सबसे बड़े कॉन्क्लेव में सबसे बड़ी चर्चा। एक 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% कहां गया। वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। घरों में आगजनी, मंदिरों में तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी जारी हिंसा का असर सबसे ज्यादा हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और हत्याओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कट्टरपंथी ताकतें चुन चुन कर हिंदू परिवारों को निशाना बना रही हैं। हिंदू महिलाओं को अगवा कर बर्बरता की जा रही है, जिसके बाद बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हिंसा के साथ बांग्लादेश में कम होती हिंदू आबादी को लेकर भी भारत में चिंता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश में हो रहे धर्म परिवर्तन पर सवाल खड़ा कर चुके हैं।
जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, 27% हिंदू था। या तो वो यहां आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर, क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म में जीने का अधिकार नहीं है क्या? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कह चुके हैं कि जो 1947 में हुआ वही आज देखने को मिल रहा है, लेकिन दुनिया का मुंह सिला हुआ है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे, और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में मंदिरों में हो रही लूटपाट और तोड़फोड़ को लेकर भारत के संत समाज में भी आक्रोश है। हिंदू परिवारों पर किए जा रहे जुल्म के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं, वहां हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें। किसी प्रकार से अगर इस प्रकार से अत्याचार होता है और उनकी सुरक्षा नहीं दी जाती है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हमें हिंदुओं की रक्षा वहाँ किसी भी तरीके से करनी हो, और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदू प्रभावित हो रहे हैं, उनकी बहू बेटियों को सरेआम बाप के सामने बेटी के रेप हो रहे हैं। आप अब देखिए, नौकरी की वो हो गई कि नौकरी उन्हें सरकारी छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही अन्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथी ताकतों का अत्याचार, उनके घरों में हो रही तोड़फोड़, मंदिरों में लूटपाट, और दूसरी तरफ भारत में तेज होते विरोध के सुर के बाद सवाल है कि आखिर यूनुस सरकार में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार कब रुकेंगे, और अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो भारत के पड़ोसी देशों के हिंदू आखिर कहां जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे और अब पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं डेमोग्राफी के बारे में। अगर हिंदुओं की आबादी की बात करें तो किस तरीके से घटती आई है, क्योंकि सलोनी ये पहली घटना नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, पहले जाएं, तो पहले से इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही है। इस्लामिक कट्टरपंथी सोच की बात करें तो उसका किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा है ये सभी ने देखा है। चलिए हम आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। 1951 की बात करें, तब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था और तब मिला जुला हिसाब के साथ था, उस समय 22% आबादी थी, और उसके बाद 1991 में घटती है, 15% हो जाती है। 2011 के जो आंकड़े आते हैं वो और चौंकाते हैं, क्योंकि 8.5% आबादी हो जाती है, और 2022 की अब तक इसी आंकड़े पर हम चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद डेमोग्राफी को लेकर कुछ बातचीत नहीं हुई है, तो यहां पर 8% आबादी है और कुल 4 इलाके ऐसे हैं जहां पर 20% से ज्यादा है। लेकिन अभी जो हालिया तस्वीरें आई हैं प्रगति, वो ये बताती हैं कि हालात बद से बदतर हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपको बता दूं कि आचार्य राज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हिंदू धर्म गुरु हैं आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वामी उपमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन भी आपको करा देते हैं सलोनी। बिल्कुल, हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सैयद जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उसके अलावा हाजी नजीम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाजल अहमद साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा पैनल है और चर्चा का विषय यही है कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों की याद दिला रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत ऐसे देशों से घिर गया है जहां हालात बद से बदतर हैं। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी रंगेश साहब से। रंगेश साहब, अभी जो हम हालात देख रहे हैं,
ऐसा लगता था कि जैसे सऊदी अरब में होता था वहाबिज्म, उसका असर हम इन देशों में देख रहे हैं। सऊदी ने उसे डायरेक्ट कर दिया, अपने देश में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इन देशों में इस्लाम का एक अलग मतलब निकाल दिया गया, एक अलग परिभाषा सेट कर दी गई है और उस परिभाषा को फॉलो किया जा रहा है, जबकि इस्लाम में ऐसा है नहीं कहीं कि इस तरह से जुल्म ढाया जाए। देखिए, ये जो मामले जो आप दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पर, अधिकतर इसमें जो 90% जो है वो फेक है और झूठे हैं। अभी बताया गया था कि लिटिन दास जो वहाँ के प्लेयर हैं बांग्लादेश की टीम के, उनका घर जला दिया गया, जबकि वो घर उनका नहीं था, वो घर वहीं के जो लेकिन पहले वो तो रहा है ना। नहीं, मैं मतलब अगर आप देखें, आबादी घट रही है, हम आपको आंकड़ों के हिसाब से भी बता रहे हैं, 22 से अगर 8